आओ मेरे प्यारे बच्चों, नानी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं धूप में सुखाए हुए आलूओं की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगी। देखिए ये सूखे आलू हैं, लाल वाले आलू हैं, हमने खरीद के कुकर में उबाल के इनके छिकल निकाल के और इनके चार पीस करके हमने धूप में सुखाए हैं और इनको चार पाँच दिन तक सूखते रहे तब ये इस तरह के हो गए हैं। और ये लाल आलू सर्दियों में ही मिलते हैं, इसलिए ये सर्दियों में ही सुखाए जाते हैं। और अगर आपको लाल आलू ना मिले तो सफ़ेद आलू भी सुखा सकते हैं। ये देखिए मैंने लाल आलू सुखाए हैं क्योंकि लाल आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अगर हमें सब्जी बनानी है तो हमें पानी में चार घंटे के लिए भिगो के रखना है, जो मैंने पहले से भिगो के रखी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वही सूखे हुए आलू हैं जो हमने चार घंटे के लिए भिगो के रखे थे, ये इस तरह के हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सब्जी कैसे बनाई जाएगी। अब हमें सबसे पहले इसको धो के पानी से निकालना है। सूखे आलू की सब्जी बनाने के लिए ये मसाले हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। पिसे मसालों के अलावा कुछ खड़े मसाले चाहिए वो ये हैं। ये दो तेज पत्ते हैं, ये बड़ी इलायची है, ये काली मिर्च है और ये दो लौंग है, ये दालचीनी है और ये जावित्री है। खड़े मसालों के अलावा एक टमाटर का पेस्ट है और एक कटी हुई प्याज है और लहसुन प्याज का है एक एक चम्मच पेस्ट है और कटा हुआ धनिया है। सूखे आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, अब इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं हींग जीरा डाल रही हूँ। अब हमारा जीरा भुन चुका है, अब इसमें मैं खड़े मसाले डालती हूँ। अब हमारे खड़े मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। अब हमारी कटी हुई प्याज भुन चुकी है, अब इसमें मैं लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब हमारा लहसुन प्याज का पेस्ट भुन चुका है, अब इसमें मैं पिसे हुए मसाले डालती हूँ। ये एक चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और ये एक चम्मच मैंने मिर्ची डाल दी है। ये एक चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। ये आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल रही हूँ। ये स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। अब हमारा लहसुन प्याज का पेस्ट भुन चुका है, अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। इसी तरह से हमें चलाते रहना है जिससे ये कढ़ाई में लग न जाए। अब हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें मैं भीगे हुए आलू डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसी तरह से चलाते रहना है।
अब इसमें मैं एक कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब एक जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और मैं एक बाउल और डाल रही हूँ पानी। अब पानी डालने के बाद हमें 10 मिनट के लिए ढक के रखना है। अब हमारी सब्जी को बनने में 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन खोल के दिखाती हूँ हमारी सब्जी गली है या नहीं। आहा, क्या खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं आपको आलू निकाल के दिखाती हूँ हमारे ये गले हैं नहीं। ये देखिए हमारे आलू गल चुके हैं। अब इसमें मैं कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। अब हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बाउल में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये सब्जी को बाउल में निकाल लिया है। आप चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे पूड़ी के साथ खाइए, चाहे पराठे के साथ खाइए, या चावलों के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर एक बार घर पे बना के खाइएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। आपने देखा मैंने किस तरीके से सूखे आलू की सब्जी बनाई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।